चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड स्टेट में अभी दुमका के बाद पलामू और हजारीबाग को भी इस साल के लिए MBBS एडमिशन के लिए परमिशन मिल चुकी है। हालांकि NMC की वेबसाइट पर अभी तक इन तीनों कॉलेजेस की परमिशन को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ये अपडेट जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस साल के लिए जब हम टोटल इंक्रीज सीट देखते हैं, कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं MBBS की, तो ये स्टेट वाइज सीट से टोटल 5450 MBBS की सीट अभी तक इस साल के लिए इंक्रीज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखते हैं, तो इसमें आसाम में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिहार में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो ESIC का है, और दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं इस साल के लिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी इस साल के लिए रन हो रही है, महाराष्ट्र में दो गवर्नमेंट कॉलेज इस साल के लिए नए रन हो रहे हैं, मणिपुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रन हो रही है, पंजाब में मोहाली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रन हुआ है, राजस्थान में तांतिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट ओपन हो रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में गवर्नमेंट ESIC का अलवर इस साल के लिए स्टार्ट हो रहा है MBBS एडमिशन के लिए। तमिलनाडु स्टेट की हम बात करें तो यहाँ 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल के लिए रन हो रहे हैं और 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल के लिए रन हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट है वो तमिलनाडु स्टेट के लिए है। आप सबको पता है गवर्नमेंट की जितनी सीटें स्टेट वाइज इंक्रीज होती हैं तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट को फायदा होता है, किसमें, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए सीटें 15% रिजर्व रहती हैं। इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश स्टेट की, वो सब आपको पता है ही कि उत्तर प्रदेश स्टेट में 9 न्यू मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं गवर्नमेंट के, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नारायणा इस बार रन हो रहा है। वेस्ट बंगाल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रन हो रहा है। झारखंड में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो टोटल इंक्रीमेंट है MBBS की सीटों का इस साल के लिए अभी तक, वो 5450 सीट से। अब मैं आपको गवर्नमेंट सीटों के बारे में बताता हूं। तो गवर्नमेंट सीट स्टेट वाइज आप यहां देख रहे हैं, इसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो ये टोटल 3350 सीट्स गवर्नमेंट की इस साल के लिए ऐड हो रही हैं MBBS एडमिशन के लिए। प्राइवेट की टोटल बात करें तो 2100 सीट्स इस साल के लिए ऐड हो रही है, जिसमें कर्नाटका की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अब हम बात करें कि इसमें जो गवर्नमेंट की स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेज रन हो रही हैं, इसमें टोटल ऑल इंडिया के लिए कितनी सीटें आएंगी। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए 505 सीट्स आएंगी, 505 सीट ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए आएंगी, जिसमें सभी स्टेट कैंडिडेट को इसके लिए फायदा होगा। अब इसकी जब इतनी सीटें आएंगी तो इसमें कट ऑफ में कितना फायदा होगा, तो कट ऑफ में मैंने इसका ऑलरेडी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रखा है इस साल के लिए। रिजल्ट आते ही, रैंक आते ही मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी थी, और इस अनुमान के साथ कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी कि इस साल 500 से 550 सीटें MBBS की इंक्रीज होंगी। इनको देखते हुए मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, 505 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, बाकी और भी सीटें इंक्रीज होंगी, कुछ एम्स में भी सीटें इंक्रीज होंगी, कुछ मेडिकल कॉलेज को परमिशन अभी मिलनी बाकी है, कुछ कुछ कमियां रह गई थी जो NMC ने कमियां निकाली थी, वो कमी पूरी हो जाएंगी एडमिशन तक, तो उनमें भी एडमिशन होगा, वो सीटें भी इंक्रीज होंगी। तो 550 तक सीटें इंक्रीज हो सकती हैं इस बार के लिए, जिसमें 500 तो हो चुकी हैं, 505 सीटें तो इंक्रीज हो चुकी हैं, और यही 500 से 550 के बीच में अनुमान लगा के मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, वो वीडियो
आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो कट ऑफ वही रहने की संभावना है। तो ये एक जानकारी थी सीट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में। काफी स्टूडेंट्स के इस प्रकार से कमेंट्स आ रहे थे कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, क्या इनमें कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ पर फर्क तो अवश्य पड़ेगा, इसमें कट ऑफ तो डाउन तो होगी ही जब इतनी सीटें बढ़ रही हैं। तो कितनी डाउन होगी ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।